हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आज आप देख रहे हैं YouTube चैनल PGNHS और मैं आपका दोस्त मुजफ्फर सिद्दीकी जो आपके लिए एक नई वीडियो लाए हैं। वीडियो में आज आप लोगों को एक अपने घर के एक पेयर का शौक कराएंगे जो बहुत ही शानदार पेयर है। वो कबूतर है, बेदाग कबूतर। उसका हमने एक मादा के साथ क्रॉस किया है जो बहुत ही अच्छी और बहुत ही टॉप क्वालिटी की कबूतर है। तो उस पेयर का आप लोगों को शौक कराएंगे तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा। और आप लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए अब आप लोगों को निकाल के दिखाते हैं इधर पड़े हुए हमारे बेदाग कबूतर और नीलदुमा कबूतर। उन दोनों एक पेयर है, उसका शौक कराते हैं आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे हाथ में ये एक बेदाग कबूतर है और उसके साथ ये नीलदुमा कबूतर है। ये पूरा पेयर है एक, जो बहुत ही शानदार पेयर है। देख सकते हैं आप लोग, ये जो कबूतर है बहुत ही ओरिजिनल और बहुत ही अच्छा कबूतर है। और ये यहाँ पे बहुत खास लोगों कबूतर है। तो अभी आप लोगों को हम पहले हिस्ट्री बताएंगे सारे कबूतर की, ये कहाँ से आया और ये कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो चलिए आप लोगों को सबसे पहले मादाओं का शौक कराते हैं, उसके बाद आप लोगों को नर कबूतर का शौक कराएंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये है नीलदुमी कबूतर और ये जो है ये है फीमेल हमारे ब्रीडिंग की कबूतर। सबसे पहले आप लोगों की इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। ये जो कबूतर है ये हमारे यहाँ अशफाक भाई के यहाँ से आया हुआ कबूतर है और ये हमारे यहाँ जोड़े पे इस टाइम पे पड़ी हुई है। और इसके बच्चे अब, मतलब हमने डाला है अभी जोड़ा, अब इसके बच्चे जो निकलेंगे जो भी जैसा भी रहेगा वो तो आप लोगों को मई में देखने को मिल ही जाएगा। तो ये इसकी हिस्ट्री हो गई इस कबूतर की। तो चलिए सबसे पहले अब आप लोगों को इसकी आँखों का शौक कराते हैं। ये देखिए आप लोग इसकी आँख देख सकते हैं आप लोग, माशाल्लाह कितनी प्यारी आँख है कबूतर के। और इस आँख में कबूतर का कैसा बच्चा उड़ेगा। और ये कबूतर जहाँ से भी आई है वहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देती थी तो इस वजह से वहाँ पे ही रहती है। और काफ़ी अच्छा देख सकते हैं आप लोग, इसके पंजे का शौक कर सकते हैं। सफ़ेद नाखून है इसके, देख सकते हैं आप लोग, सब ओरिजिनल पूरे सफ़ेद नाखून है, देख सकते हैं आप लोग। और इसके आप लोगों को चोंच देख सकते हैं आप लोग, चोंच जो है कच्ची पक्की चोंच की कबूतर है, एकदम मुलायम, जैसे जैसे कोई रुई हो या पत्ता हो हाथ में, एकदम बहुत ही मुलायम। देख सकते हैं आप लोग एक हाथ में आने वाले कबूतर। और इसकी दुम का शौक करा देते हैं आप लोग। ये देख सकते हैं आप लोग इसकी दुम थोड़ी सी गंदी हो गई दुम, क्योंकि इधर अभी बारिश हो गई थी, इस वजह से थोड़ा कबूतर थोड़ा सा गंदा हो गया है। और ठंड की वजह से कबूतर की जो बीट होती है वो सूख नहीं रही है जाल में, वो ऐसे ही गंदी रह रही है। तो अब आप लोगों को इसकी बैठक और सारी चीज़ें दिखाते हैं, इसको छोड़ते हैं। ये देखिए आप, देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह कबूतर क्या बैठता है। ये देखिए इस पर बहुत अच्छा समझ में आता है जो कबूतर इस पर बैठता है। देख सकते हैं गोल बदन का पूरा कबूतर है, देख सकते हैं आप लोग। आप लोगों को इस टाइप के कबूतर कैसे लगते हैं आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अब इसके मेल कबूतर का शौक कराते हैं आप लोग। देखिए ये मेल कबूतर कैसा है। तो सबसे पहले आप लोगों को इसकी सारी चीज़ों दिखा देते हैं। तो अब आप लोगों को मेल कबूतर का शौक कराते हैं। वो जो कबूतर है बहुत ही अलग और बहुत ही स्पेशल कबूतर है, एकदम यूनिक। वो कबूतर हमें लग रहा है कि बहुत लाखों कबूतरों में ऐसी आँख के कबूतर मिलते हैं, बहुत ही अलग टाइप का। उसकी भी हिस्ट्री बताइए कहाँ से आया, कैसे क्या हुआ। देखिए आप लोग, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में ये जो कबूतर है, इससे पहले जो कबूतर दिखाया था उसका ये मेल है। और जो ये अभी आप लोगों को लास्ट में पूरा पेयर भी दिखाएंगे, थोड़ा सा उनकी बैठक सारी चीज़ें। तो सबसे पहले इस कबूतर के बारे में बताते हैं। ये कबूतर हमारे यहाँ आज से तकरीबन 3 या 4 साल पहले आया था और इसका एक बच्चा हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा उड़ रहा है। हमने उसकी जो इससे पहले जो मादा लगी हुई थी वो भाग गई थी प्रकटी, पहले ओपन वाला जाल नहीं था तो वो निकल गई थी प्रकटी। और ये थलबन जोड़ा था हमारा, इसका एक बच्चा हमारे यहाँ टूर्नामेंट में उड़ रहा था, बहुत ही अच्छा स्कोर करके 2-2 बजे तक वो बैठ रही थी हमारे यहाँ मई के टूर्नामेंट में। तो अब की बार इससे एक जो फीमेल है वो बदल दी है। और ये कबूतर जो है ये दानिश भाई के यहाँ से 3 से 4 साल पहले ये आया था कबूतर। तो आप लोगों को इसकी आँखों का शौक कराते हैं। सबसे पहले देखिए आप लोग इसकी आँख और बताइए आप लोगों का क्या कहना है इसकी आँख देख के। इसकी आँख देख सकते हैं एकदम यूनिक आँख है। बउआ जूम करो इसकी आँखों में, ये देखिए, और जूम करो, ये देख सकते हैं आप लोग आँख। इसकी आँख देख के आप लोगों को क्या लग रहा है आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। एकदम अलग आँख का कबूतर है, देख सकते हैं आप लोग, एकदम अलग सारी चीज़ें हैं। इसके बगल का शौक कराते हैं आप लोगों को, देख सकते हैं पर इसके माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हैं। थोड़ा सा बारिश की वजह से आप लोगों से जैसे हमने बोला कि थोड़ा सा कबूतर गंदा हो गया है, जो जाल होता है वो सही से सूख नहीं पा रहा है। और ये प्योर मोमिया चोंच का कबूतर है, देख सकते हैं जो इसके साथ फीमेल लगाई वो तो थोड़ी सी कच्ची पक्की चोंच की है। बाकी इसके नाखून, इसके पंजे देखिए, देख सकते हैं आप लोग नीले नीले पंजे का कबूतर, एकदम खुश्क पंजे और सारे नाखून इसके सफ़ेद हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कबूतर कहाँ का कितना उड़ा होगा। बंदुम का कबूतर है, देख सकते हैं आप लोग, ये पूरी बंदुम है, बीच की दुम गंदी है इसकी। और ये देख सकते हैं एक दुम है जो नीलदुमी टाइप की थोड़ी सी, इस वजह से हमने इससे एक नीलदुमा कबूतर लगाया, क्योंकि ये जो कबूतर है नीलदुमा ये भी बिलोंग, मेरे ख्याल से ये भी कबूतर बिलोंग करता है नीलदुमे वाली नस्लों में से। तो ये कबूतर है, इसकी बैठक सारी चीज़ें आप लोगों को छोड़ के दिखाते हैं। देखिए आप लोग,
देख सकते हैं आप लोग बैठक, अभी इनका पेयर डालेंगे हम, अभी इसको पता अभी तक कुछ नहीं हुआ है, बस मेरे ख्याल से हमने एक ये नया पेयर बनाया है। ये पेयर कैसा होगा, सक्सेस होगा या नहीं होगा, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। आप लोगों को अगर ये पेयर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी अच्छा कबूतर है ये माशाल्लाह, और ये बहुत पुरानी नस्ल हो गई हमारे यहाँ की, काफ़ी पुराना कबूतर है। देखिए आप लोग, ये जो फीमेल लगी हुई है इसके साथ, ये वाली, ये भी एको बार इनको बंद नहीं किया, इस वजह से ये इसके पास नहीं आ रहा, वरना भी ये जोड़े के लिए थोड़ा सा आगे पीछे करता। तो इनका नया जोड़ा बनाने जा रहे हैं, आप लोग बताइएगा कि ये जोड़ा कामयाब होगा या नहीं होगा। आप लोगों को जैसी भी वीडियो लगी हुई, आप लोग वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ।